सूत्रों का दावा, दिल्ली के शाहदरा हत्याकांड में 16 साल का नाबालिग मास्टरमाइंड। नाबालिग ने शूटर को हायर किया था, कई दिनों से हत्या की प्लानिंग कर रहा था। राजस्थान के जोधपुर में महिला का 10 फीट गहरे गड्ढे में मिला 6 टुकड़ों में शव, 4 दिनों से लापता थी महिला। पति ने रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया, पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों की हत्या कर दी गई, 2 गुटों में चल रहा था विवाद, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कर्नाटक के कडुकोल गांव में विशेष समुदाय के लोगों के घरों में तोड़फोड़, ग्रामीणों को वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन अधिग्रहण का डर, मामले में पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के चिकमंगलूर में देवीरम्मा मंदिर मेले के दौरान भारी भीड़, पहाड़ी पर धक्का मुक्की के दौरान कई श्रद्धालु घायल, मेले के दौरान मंदिर में पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु। कर्नाटक के देवीरम्मा मंदिर मेले में नहीं दिखा क्राउड मैनेजमेंट, काफी नहीं थी सुरक्षा व्यवस्था, हर साल हजारों की संख्या में मंदिर में दर्शन के लिए जुटते हैं श्रद्धालु। पंजाब के गुरदासपुर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कार्यकर्ताओं ने बटाला रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया, मोर्चे में किसान भी शामिल रहे, सरकार से धान खरीद की मांग। पंजाब के भटिंडा में किसानों ने पराली में आग लगाई, सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने आग बुझाने की कोशिश की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की पहल, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 200 एंटी स्मॉग गन को दिखाई हरी झंडी, 3 शिफ्ट में 7-7 घंटे छिड़काव करेंगे। लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हुआ यमुना में तैरता हुआ जहरीला झाग, पिछले 15 सालों में यमुना की सफाई को लेकर तकरीबन 7000 करोड़ किए जा चुके हैं खर्च। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला, एयर पॉल्यूशन के साथ यमुना भी मैली दिखाई दे रही है, दिल्ली में छठ पर्व मनाने वालों की चिंता बढ़ गई। यमुना में जहरीले झाग पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उत्तर प्रदेश पर ठीकरा फोड़ा, कहा यमुना में झाग के पीछे यूपी का जहरीला पानी, यूपी जब तक जहरीला पानी छोड़ता रहेगा तब तक नियंत्रण करना मुश्किल है। दीपावली की सुबह आनंद विहार इलाके का AQI बेहद खराब, सुबह 9 बजे 400 के आसपास दर्ज किया गया, कल सुबह 421 AQI किया गया था दर्ज। दिल्ली के शाहदरा इलाके में प्रदूषण को कम करने की कोशिश जारी, लगातार पानी के छिड़काव से धूल और धुंध को कम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मालदा में बैग फैक्ट्री में आग लग गई, बिल्डिंग के 4 फ्लोर तक आग की लपटें पहुंच गई, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसे का CCTV फुटेज सामने आया, बुधवार को तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मारी थी, हादसे में महिला की हुई थी मौत। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तेज रफ्तार का कहर, करोड़ों की लग्जरी कार दीवार तोड़ते हुए पार्क के अंदर घुस गई, पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई कार, कार सवार मौके से फरार, पुलिस जांच में जुटी। MP के उमरिया में सलखनिया के जंगलों में 10 हाथियों की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हाथियों के शव, NTCA दिल्ली की टीम कर रही है मामले की जांच।